नगर निगम और मास्को के बीच हुए एमओयू पर अरुण साव का बयान आया है। मास्को में हुए एमओयू पर भड़के अरुण साव, एमओयू को बताया जनता के साथ भद्दा मजाक, महापौर ढिबर के मास्को दौरे पर उठाए सवाल, अनुमति के बिना लाइट मेट्रो की एमओयू साव ने कहा, और बिना अधिकारिता हुए एमओयू को लेकर साव ने नाराजगी भी व्यक्त की। वास्तव में ये कितना बड़ा भद्दा मजाक है रायपुर की जनता के साथ, न राज्य सरकार की मंजूरी, न केंद्र सरकार की मंजूरी, निजी यात्रा में गए हैं, यात्रा की कोई अनुमति नहीं ली है, और जाकर इतना बड़ा एमओयू कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से बड़ा अपराध है और रायपुर की जनता इसे कभी माफ नहीं कर सकती। तो भाई, छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, प्रदेश भर में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। एमएलए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का कांग्रेस विरोध करेगी, सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। दोपहर में केंद्रीय जेल के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। बलौदा बाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव जेल में है बंद, 27 अगस्त को कोर्ट में पेशी होनी है। बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से, आज कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, प्रदेश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है। एमएलए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। वहीं विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस आज प्रदेश भर में प्रदर्शन की तैयारी है। जिला और ब्लॉक स्तर पर यह प्रदर्शन होगा और सचिन पायलट भी रायपुर पहुंच चुके हैं। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने सतनामी समाज को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि गुरु घासीदास के वंश में पैदा होने से ही कोई गुरु नहीं हो जाता, बाबा गुरु घासीदास ही सतनामी समाज के असली गुरु हैं। डहरिया यहां तक कहे कि सतनामी समाज के 80% लोग गुरु प्रथा को बंद करना चाहते हैं। सतनामी समाज पूरी तरह एक है, गुरु लोग अवसरवादी हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो वे कांग्रेस में थे, चुनाव आया तो बीजेपी में चले गए। वहीं डहरिया के बयान पर बीजेपी नेता और आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में मिली हार से डहरिया का मानसिक संतुलन हिल चुका है। निश्चित रूप में अब समाज के लोग बाबा गुरु घासीदास जी सतनामी समाज के गुरु हैं, और गुरु के वंश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति गुरु बनने के काबिल नहीं। तो समाज के लोग अब इस बात की ओर अग्रसर हो रहे हैं कि गुरु प्रथा बंद किया जाए, और अधिकांश समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गुरु प्रथा बंद करने के पक्ष में है, और लगभग 80% समाज के लोग, 80 से 90% लोग गुरु प्रथा के पक्ष में नहीं है। वो सिर्फ एक ही गुरु है जो बाबा गुरु घासीदास जी हैं। देखिए, समाज बटा हुआ नहीं, समाज एक है। आप देख लीजिए बड़ौदा बाजार में जो आंदोलन हुआ वो समाज का आंदोलन था, कोई राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं था। और ये जो गुरु लोगों को बात कर रहे हैं तो अवसरवादी है। जब हमारी सरकार थी तो 5 साल कांग्रेस में लाभ लिया और चुनाव आते भाजपा में चले गए। तो ऐसे लोगों की इनका मानसिक संतुलन हिल गया है। कहीं ना कहीं पहले विधानसभा चुनाव हारे, उसके बाद लोकसभा चुनाव हारे, तो दोनों जब हार उनको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रही, उनका मानसिक संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ गया है। क्योंकि उनको तानाशाही करने की आदत है, लोगों पे गुंडागर्दी करना, मारपीट करना और सतनामी